आपको उन्नाव जिले का डोंडिया खेड़ा गांव याद होगा, जहां साधु शोभन सरकार के सपने के बाद सोने की खोज शुरू हो गई थी। एक बार फिर ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है राजस्थान में, जहां एक तालाब के किनारे अशर्फियां गड़े होने की अफवाह फैल गई है। इस खबर के बाद खुदाई वाली जगह पर करीब 3 गांव से ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया है और लोगों ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया है। यह तस्वीर राजस्थान के टोंक जिले के जानकीपुर गांव की है, जहां पर सोने के सिक्के और अशर्फियां मिलने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। फिर तो खुदाई करने की जल्दबाजी ऐसी कि कोई इस दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहता। जिसको जो मिला उसे खुदाई का औजार बना लिया। जिंदगी बदलने की चाहत ऐसी कि 2 दिनों से यह लोग ऐसे ही खुदाई कर रहे हैं। गांव के लोगों का यह भी कहना है कि पास में एक बाबा का स्थान है, जिनकी पूरे नवरात्र के दौरान पूजा अर्चना नहीं हुई, इसलिए बाबा ने यह चमत्कार किया है। जाहिर है कि यह अंधी आस्था और अमीर बनने की ख्वाहिश का खाल मेल है। जिन लोगों ने 2 दिन तक लगातार खुदाई की, उनको भी मायूसी ही हाथ लगी है। लेकिन ऐसे लोग भी इस गांव में कम नहीं, जो इस फैलती अफवाह में घी डालने का काम कर रहे हैं। वह इस खबर को जिला प्रभारी सचिव रोली सिंह ने भी गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद शर्मा से पूरे मामले की जानकारी मांगी है। अब देखना यह है कि वाकई ये एक बड़ी खोज होगी या बड़ा तमाशा। देखते रहिए टीवी लाइव।